Hi everyone, welcome to Easy Competitive Classes. In this video we will discuss CSAT. Okay, तो यह रिलेटेड भी मतलब किसी वीडियो भी अच्छे प्लेलिस्ट जाए देखिपर से सब ओके तो ये हमें पर्टिकुलरली जो गुड़ा सब कौन सिविल सर्विस एग्जाम रिक्वायरमेंट जहाँ सब मागी थे जे भाई ढांचार सेमती भी नुहे जो एकदम हार्ड क्वेश्चन किंबा एकदम बेसिक क्वेश्चन से भाया भी नुह जमी एक्जाक्टली सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस एग्जाम तुम रिक्वायरमेंट कर तो से रिलेटेड किसी डिस्कस करदेवि ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ओके तो ये देखा प्रथम कौन दिखाई सिंपल सिंपल जिन सब बहुत ओपीएससी जो ओसीएस एग्जाम एंड ओएमएसएम एग्जाम भी ये सब ढांचा ओके ये हूँ फर्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई ना दैट इज रही राकेश एंड हूँ राजेश तो दीज राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल कैटा ना 10टा हूँ बॉल और 10टा राकेट कि क्लियर तो डाटा जब प्रथम ये कथा से कहे मुझे लिखिदेवी सिंपली राकेश प्लस राजेश तो ये हूँ के 10 बॉल प्लस 10 राकेट ये कथा से कहे देन राकेश पेंट हूँ के राकेश पर्टिकुलरली खर्च कर 1300 टाँह से ही भाया राजेश खर्च कर 1500 टाँह क्लीअर तो माइंड रहा दरकार दैट इज रू कह मैंने सरी राकेश राकेश हूँ के तुम हूँ 1300 टाँह से ही भाया जब कह राजेश 1500 टका ओके तो बुझेपी सब लम करुचे सेमती नुह कि नुहे नल भाग बहुत ये लिखुची ओके ये हूँ जब देख तेल टोटाल के खर्च होती मत कह 10टा बॉल आज 10टा राकेट किणवाई टोटाल के खर्च होती सिंपल जदि कह जो 1300 और 1500 कहले के 2800 टका टोटाल जदि मुझे तेल 2800 टका खर्च होती ये हूँ बेस् बुझे हो तो ये जी मत गोटे कथ कह सिंपली से नेक्स्ट मागिचे कौन इफ इफ जदि इच राकेट कॉस्ट 3 टाइम्स तुम हूँ कहार अपेक्षा बॉल अपेक्षा ता मान हूँ कहवा कथ ये से देचे 1 राकेट इक्वल टू 3 बॉल ये हूँ दिखाई गिवेन क्वेश्चन रे जिनस गिवेन दिखाई ठीक ना नहीं तो मत जिनस हो पचारि कौन ना ह्वाट इज दिया हूँ प्राइस ऑफ राकेट तो राकेट रो ये गोटे राकेट रो प्राइस के पीस ऑफ ए राकेट तो ये राकेट रो प्राइस पचारि तो आई होप पज करो और निज तरफ अटेंड करने ट्राए कर यही लेवल क्वेश्चन सब रोचे एग्जाम आई होप क्लीयर तो डाटा दे स्किन आगे रहा तो मुझे गोटे जिनस कर देख यही जो 10टा बॉल आ 10टा तुम राकेट जो रहा तो यार मूल्य हूँ के मैंने आसीगला मैंने सिंपल कथा हूँ 2800 टाँह आसीगला दैट इज रोचे इक्वेशन वन आ कि नुहे सिंपल मुझे कहि जी 10 बॉल प्लस 10 राकेट रो दाम के 2800 टाँह तेल गोटे बॉल भी करपार नक भी किसी प्रोब्लेम नहीं डायरेक्ट यही भैल्यू को आना पुट करदे गोटे जगार आ कि नहीं सिंपल ओके ये किसी रॉकेट साइंस नहीं तो 10 बी सपोज मुझे 10 बॉल प्लस ये हूँ गोटे राकेट हूँ जी तुम 3टा बॉल सहित सामान तेने 10टा राकेट के बॉल सागे सामान हे 10 गुण 3 ठीक तेल के 30 होगा 30 ओके तो दैट इज रोचे के टोटाल हूँ बीटे सरी बॉल तेल टोटाल हूँ ये हूँ 2800 सागे सामान तो मैंने कहवा कथा 40टा बॉल 40 तुम रोचे बॉल इक्वाल टू 2800 टाँह ताले गोटे बॉल रो कॉस्ट केते आसी जीवो ताले ये 4 4 4 7 28 70 टाँह गोटे बॉल रो होचे कॉस्ट आसी जीवो केते टाँह 70 टाँह ताले मते को कहा मागीचे कोन अंगो ना मागीचे राकेट केबे बॉल मागिनी बॉल भाविकने नले 70 रे एनसर क्लिक कर देतेबो तो मागीचे होचे राकेट मु कोन कहली 3टा बॉल रो होचे कॉस्ट जेतकी गोटे राकेट रो होचे सेतकी कॉस्ट दाम ठीक ता माने होचे गोटे बॉल रो दाम जदि 70 हैला ताले 3टा बॉल 70 × 3 70 × 3 कले के 210 आसीज दैट इज रोचे तुम गोटे राकेट रोचे कॉस्ट आई होप क्लियर ठीक तो ये हूँ बेसिक ढांचा जड़े जदि चाहिए भी से जदि कहला यह सबू जिनस अजीब लगुच किसी प्रोब्लेम नहीं मैथ्र बहुत धारा अच्छे किसी ना जमती जेम समय इजी लगे एग्जाम से पकेब कि ना टाइम रो के इनसफिसीयंट हेनी नॉट बैंकिंग एग्जाम ये नॉट बैंकिंग नॉट एसएससी सिविल सर्विस से हीपाई कहली जे भाया रिक्वायरमेंट करे से स्टैंडर्ड रे क्वेश्चन जवा दरकार ओके तो मिनिमम रे मिनिमम जिते फॉर्मूला यूज कर पार्ब से तुम्हारा हूँ कौन बेनिफिशियल हो कारण अलग भी सब्जेक्ट अच्छे तो सब्जेक्ट सब माइंड रे भी बुलू थो ठीक ना नहीं तो ये हूँ जदि मुझे कौन बेसिक जदि मुझे ये 10 बॉल कथा कहली प्लस 10 आर कथा कहली जो राकेट कथा तो ये हूँ 2800 कही तो जड़े चाहते भी 1 बॉल प्लस 1 राकेट इक्वल टू ये भी से 280 10 10
माने जीरो कटिगला ठीक ना नहीं 280 भी होता तो कैलकुलेशन जे भले इजी करबा पई जेमती स्टेप ताको करी पारो ओके आई होप क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा तो एठी आंसर कोन हिजबो 210 आसीगला ओके। तो ये देखो क्वेश्चन पॉज करो एवं निज तरफ रु अटेंड करबा पई ताको टिके ट्राई करो कोन मागीछि एवं कोन है ओके। सिंपल पचरा दिछि द एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन केते तो एवरेज जदि हमें देखिबा एवरेज मार्क केते तो 100 जन पिला कथा कहि छि 100 जन पिला रो एवरेज मार्क तुमर 40 होछि। आमे केमती एवरेज काटे जे माने भी बिगिनर देखुथियो कहि दउ छि x1 मार्क x2 गुटे रहला x3 एई भले x100 कथा कहि छि बाय ताले केते करबा ता टोटल जते नंबर थिबे 1 2 3 4 5 100 जाय तो बाय 100 इक्वल टू से कहु छि केते 40 एई होछि सिंपल कथा बचा मो जदि कहबी ये 100 टा पिलार जो टोटाल मार्क टा मुझे कहबी ये टोटाल मार्क जिते बेले कहीदेवी तो सिंपल ये जिनसटा इपट को जाकि खाली गुण नहीं जीव ठीक ताल मान होते 100 × 40 तो दैट इज रोचे 400 टोटाल मार्क जदि कहबी सरी 400 कह 4000 हो ना ओके। तो 4000 ये हूँ तुम टोटाल मार्क आसीज ये हूँ कथा कितु क्वेश्चन एवं कौन दी पढ़ा ये से पचरा जाइए देख इट वाज फाउंड दैट लेटर तो पूरे जना पड़ेगा जे गोटे जिनस कौन मार्क ऑफ वन स्टूडेंट तो गोटे पिलार मार्क जोटा हूँ तुम के 53 रही हुई वाज मिसरीड एज हूँ के 83 तो सपोज मुझे x3 यार मार्कटा आम इटी से यार मार्क प्लस यार मार्क ये जब टोटाल मार्क देखा तुम 4000 होता तो 4000 रु यही पिलार मार्कटे आम के काउंट कर सपोज मुझे 31 रखी ये 34 रखी ये हूँ के रखी सपोज मुझे ये 83 रखी तो ये भूल रही 83 कही सिंपल कथा तो ये जिनसटा खाली सिंपल चेंजेस करना से कहे 53 होता है जेठी आम 83 मिसरीड कर देचे तालोले मत कह 53 रु 83 मैंने के बढ़े मिसरीड करना 83 रु मुझे कहि 53 तेत बढ़े गोटे सिंपल भाषा देख तो दैट इज रोचे 30 आम बढ़े 30 बढ़े दीचे ना तो 30 हवा कथ तो आउ थे ये एक्जाक्ट या जगह 30 पकईकना करदेबा दरकार यहाँ हूँ कथ तो ये जिन तो आम करानी सिंपल तो आम से ही 30 डायरेक्टली हूँ माइनास करदे ये जो टोटाल जेटा था तो 4000 माइनस के 30 तो दैट इज राशि जीव 3970 ओके। तो ये जिते बड़े मुझे कौन कहली 100 पिला बाय 100 जन ठीक ना 100 पिलार मार्क बाय 100 जन इक्वल टू तार एवरेज बाला तो ये पचारिचे मीन माने भी से एवरेज मीन मीडिया मोड ये सब पढ़े थी भी लेक्चर थी देख ओके। तो ये भी जदि देख ये एवरेज कथा मागे तेल मत कौन हो सिंपल हो मैंने ये टोटाल ये मार्कटा दैट इज रोचे 4000 थी तो ये 3970 बाय हूँ तुम कद्य के दैट इज रोचे 100 सरी 100 पिला 100 कद 400 लिखी दूँ ओके। तो दैट इज रोचे 100 तो 100 कदले ये कटिगला 00 कटिगला तो 39.7 आसीज ये एनसर 39.7 कौटे अच्छे ऑप्शन नंबर बी ओलिवर मोर अप्रोप्रिएट एनसर यार सो आई होप क्लीयर रोचे जिनस तो यही स्टाणार्ड रटाणार्ड सब क्वेश्चन रोचे सेमती किसी नुहे खाली जस्ट बेसिक क्लीयर थी भी ये सब जिनस करहब रईट। तो आई होप नेक्स्ट जावा ये पज कर पढ़ निज तरफ पढ़ क्यों एटेड हो कौन कही ना राकेश गोटे पिला राकेश जहाँ नाम से कौन कहे ना हेड मनी ताकि मनी अच्छे जहाँ भी पैसा अच्छे से पैसा किणीपर 8 मोबाइल सेट ओके केतटा ना दैट इज रोज भेरी इंपोर्टेंट 8 हूँ मोबाइल सेट से किणीपर तो स्पेसिफिक कंपानी जहाँ भी रहा ओके। किंतु रिटेलर जे दोकानी सपोज बुझ ये रिटेलर बुझनी तो दोकानी जे भी रहा तो सी ऑफर करुच्छे बहुत गुड मानने बहुत भल हो डिस्काउंट दे ओके मैंने कहवा कथा सिंपल सपोज हाँ बहुत डिस्काउंट देपर हूँ से पर्टिकुलर हैंडसेट उपर जहाँफल कि राकेश से कुड कुड बाय मैंने पार कतेटा किणीपर ना दैट इज रोचे 10 मोबाइल किणीपर पूर्वर केतटा किणीपर था 8 पर कतटा से किपर जो डिस्काउंट पर आफ्टर डिस्काउंट से कतटा किणीपर सक्षम जदि मुझे से पूर्वर जितेटा किणवार सक्षम रोला डिस्काउंट जिते बेलापुर से कतटा किणवार सक्षम है मोबाइल 10 तेल मुझे भी जन कहीपर चेंजेस कतटा है मोबाइल 2 है कतटा 8 थी तो कते हम परसेंटेज 2 × 8 = 4 पुणी काट 25% आसीज एनसर कि नोट एथिकाल हुए ये ओके ये हूँ कथा बुझेल एमती भी जन कर नुह कि देख ये जब प्रोसेस करदे कारण सब प्रकार माइंड थी ठीक ना नहीं जदि कौन कह राकेश पाखे सपोज लेट 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 धर आग तो राकेश पाखे हूँ मुझे कहि सपोज 100 टाँचा अच्छे मुझे जानी कतटा से मोबाइल किणीपे से 100 टकर मोबाइल किणवार तार क्षमता दैट इज रोचे 8 बुझ
100 टंका रे 8टा मोबाइल 100 टंका भी करो 1000 टंका भी करि परबो किछि प्रॉब्लम नै मु खाली कैलकुलेशन को इजी करबा पई 100 धर दउ छी ओके तो 100 टंका रे 8टा मोबाइल से किनि परबो मते कह तापर मु कोन कहली डिस्काउंट कथा उठि छी डिस्काउंट देला परे डिस्काउंट जते बेले मु कहबे आफ्टर डिस्काउंट बा डिस्काउंट देला परे सही 100 टंका रे सही पार्टिकुलर 100 टंका से केत्ता मोबाइल किनिबो 10टा राइट सिंपल 100 टंका रे होचे 8टा किनुथला तापर डिस्काउंट परे आफ्टर डिस्काउंट परे से होचे आउ दुईटा एक्स्ट्रा किनला दैट इज होचे 10टा ताहले चेंजेस केते हला हम कहबी चेंजेस जदि जे जिनसोटा देखिबा जदि हम चेंजेस टा कथा सपोज एटा 1000 धरे नहले मोबाइल दाम 100 टंका रे हले हबनी 1000 धरि किना करे होचे आउरी बुढिया बुझेबो ओके सपोज प्राइस गुटे मोबाइल रो प्राइस होबो गोटे मोबाइल रो प्राइस ए भलिया भी करिवो किछि प्रॉब्लम नै मैथ रो जे भलिया तने करि परो ओके ये होचे 100 गोटे नै सॉरी 1000 धर गोटे मोबाइल रो प्राइस सपोज गोटे ये मोबाइल रो प्राइस होचे 1000 राइट तो मते कहो तले 8टा मोबाइल रो प्राइस केते होबो 8टा मोबाइल रो प्राइस होबो 8000 टका ठीक ना नै गोटे मोबाइल रो 1000 टका ले 8टा मोबाइल रो दाम होचे 8000 टका सिंपल कथा तो आसे बडे मु कभी 10टा मोबाइल रो प्राइस कहले केते होबो 10000 टका किसी प्रोब्लेम नहीं 10000 टका तो मते कह जिते बेला आफ्टर डिस्काउंट पर यही जिनसा आसा ठीक ना नहीं पूर्व कौटे थी 8000 टका थी डिस्काउंट पर हो से 10टा जेहतु मोबाइल किणला कहे 10000 चेंजेस के 2000 बैठा के डेट इज रोचे 8000 इंटू 100 कर दिखे ये हूँ तुम परसेंटेज पाइज ना ना ये काटिद काटिद 2 2 6 8 25 आसा तो डेट इज भी 25% बाहर ना नहीं सबू सब एनसर एक आसो किसी प्रोब्लेम नहीं कनसेप्ट गोटे ओके यही हूँ कथा ये हूँ किसी से नुए तो ऑप्शन सी विल बी योर मोर एप्रोप्रिएट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ये कौन कहु पज कर और निज तरफ टी अटेड करो ओके कौन दिखाई कौन नहीं तो ये पचरा होना गोटे झील दैट इज हूँ किए एना तो ये हूँ कौन कहे ना ये जो सॉरी ये हाँ एना तो ये हूँ के बर्न हूँ 4 ईयर आफ्टर हर पेरेन्ट मेरेज अच्छा तो पिता माता मानने बापमा जो मेरेज पर से 4 वर्ष पर जन्म हो किए दैट इज हूँ एना ओके तो ये पचरा हो हर मदर इज 3 इयर यंगर देन हर फादर तो ता बापा पाखर माँ जी से 3 वर्ष सान यथा कहने सिंपल भाषा जब मुझे कह फादर इक्वल टू मदर को एज प्लस 3 वर्ष बस यहीटा हम दैट इज इयर ओके बुझे यही कथा कहे से डाटा अनुजाई मुझे लिखुनि मनीषा डाटा जहाँ दिखे एंड 24 ईयर यंगर देन एना ओके से माँ को बयस दैट इज मदर मदर बयस केते एना ठार 24 वर्ष बड़ माने एना जिते बयस आम जाने प्लस 24 वर्ष एना पाखर बड़ यही कथा कहुच जहाँ दौर डाटा से आंसर बाहर किसी प्रोब्लेम नहीं ओके देन से कही पुणी आ थे एना एना हो 13 ईयर ओल्ड तो एनार बयस के ना 13 ईयर हो बर्तमान ये सब चली मैं करेन्ट सिचुएसन कथा सो ताको मेरेज कथा बोलने से बहुत पुर्णा कथा कितना यहाँ बर्तमान ना करेन्ट सिचुएसन चली ओके तो यही बेले जब बर्तमान देखा आमर हूँ कहार बयस एनार बयस के 13 वर्ष मत गोटे कथ कह यही डाटार आम यार भैल्यू बाहर करा ना ठीक करवा केमती करवा मदर बयस जब मुझे चाहिए ये बाहर करवाई तेल के 13 + एना 13 + 24 के 13 + 24 37 ईयर बर्तमान बयस का माँ को जब बयस देखा 37 वर्ष से ही भाया 37 + 3 वर्ष फादर बयस दैट इज रोज फादर बयस के 37 + 3 40 वर्ष राइट तो फादर पाइल ये हूँ मादर बयस पाइल एनार बयस भी पाइल क्लियर तो मत गोटे कथ कह जिते एना हूँ पितामाता बहुत 4 वर्ष पर जन्म होती ठीक ना नहीं तो ये क्या मागिचे कौन ना से मागिचे क्वेश्चन देखो एट व्हाट एज एनास फादर गेट मैरिड तो के बयस जिते बापा वे बाहर तो से बयस के यही कथ पचारा ही ठीक ना नहीं तो कते बयस होता तो ये देखा इना तो बर्तमान के बर्तमान जब आम देखा 40 वर्ष अच्छे पिता तो से मेरेज टाइम को बयस के यही कथ पचारा ही सिंपल पज कर बुझ तो जदि मुझे कह एना एना ओके ये एनार जन्म बेलू एना जिते जन्म है मुझे कह फादर को बयस के तो ओब्वियसली तुम्हें से कह 40 वर्ष बर्तमान जहाँ अच्छे एनआर बर्तमान बयस जो 30 अच्छे नहीं 13 अच्छे तो ताले या को जदि तुम्हें माइनस कर दो केते आसो 27 ईयर तो सेतेबेळको जेतेबेळ मु कहली एना जन्म हैला नॉट ताको बापांकर बाहागर कथा कहूँ तो जेतेबेळ एना बर्न हैला बा जन्म हैला तो सेतेबेळ पितांकर बयस केते थिला 27 वर्ष थिला
ପିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ଏନା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆହୁରି 4 ମାଇନସ୍ କର, 4 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ? 23 ବର୍ଷ ଆସିଯିବ। ସେଇ 23 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହୁଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆନ୍ସର। ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲିଅର ରହୁଛି ପଏଣ୍ଟ, କ୍ଲିଅର। ଏଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତ ତାକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ୱେରେ ବି କରିପାର, ଆହୁରି ବି ଅଲଗା ୱେରେ ବି ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବା ହୁଏ ତାକୁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ୍ସ ଧରିକିନା ବି କରିବି, ଲେଟ୍ ଏକ୍ସ ଇୟର ରହୁଛି କାହାର, ଏକ୍ସ ଇୟର ରହୁଛି, ଏକ୍ସ ଇୟରରେ ହେଉଛି ପେରେଣ୍ଟଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା କହିବି, ତା 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇନା ଜନ୍ମ ହେଲା, ମାନେ X+4 ନେଇକିନା ବି କରିବି, ଏତିକି ଇୟରରେ ଏନା ହେଇଥିଲା। ତ ଏସବୁ ବି ହେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଏ କ୍ଲିଅର ରହିଲା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ପଢ଼ ତାକୁ ପଜ୍ କର ଏବଂ ନିଜ ତରଫରୁ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଡ କର। ତ ଇଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ସେ ପଚାରିଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଇଫ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 25, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ। ସେଇଭଳିଆ ୱାଇ, ୱାଇ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କାହା ସହିତ ନା 40, ଏଇ କଥା ସେ କହିଛି। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ହୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କରେକ୍ଟ କହିଛି, ସବୁବେଳେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାଇ, ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ୱାଇ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯେ 25ରୁ ଅଧିକା ମାନେ କେତେ, ତା ମାନେ କହିବା ମାନେ 25, 26, 27, 28 ଡଟ୍ 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 ଇନଫାନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଚାଲିଲା, ତ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଯାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇନଫାନାଇଟ୍ ହେବ କି? କେବେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଫାଇନାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଦେଖ 40ରୁ କମ୍ ମାନେ 40, ତାପରେ ହେଉଛି କେତେ 39, 38, ତ 1, 2, 3 ଡଟ୍ 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 ଏତିକି, ମାନେ 40 ଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଏଠି ଲିମିଟେଡ୍ ରହୁଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହୁଛି, ମାର୍କର। ଏଠି ହେଉଛି ମିନିମମ୍ କେତେ ଅଛି 25, ଏଠି ହେଉଛି ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବ କେତେ ହେବ, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ 40, ତ ମାର୍କ କରିଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଏଇ ହେଉଛି ଇନଫରେନ୍ସ ଲାଗିବା ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ସେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଛି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାଇ, କେମିତି ହେଇଯିବ? ଏକ୍ସ କେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସବୁବେଳେ ହେଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ଅଲୱେଜ୍ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାଇ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ହେବ, ହଁ ମାନୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଏ 25 ଅଛି ଏଠି 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସାପୋଜ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାପୋଜ୍ ଏଇଠି 40 ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି 25, ତାହେଲେ କେମିତି ଗ୍ରେଟର ହେଇଯିବ? କିମ୍ବା ଏଇଠି ଧରାଯାଉ 26 ଅଛି, ଏଇଠି ସେତେବେଳେ 38 ଥିବ, ତ ସବୁବେଳେ ତ କେବେ ହେବନି, ଏ ବି ଭୁଲ ଆମେ ଇନଫରେନ୍ସରେ କରିପାରିବା, ଠିକ୍। ତ ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଡବଲ ହେଇଛି ଏଇଠି, ସରି, ପଏଣ୍ଟ ବି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 15। ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇ, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟେ ଉଠାଅ, ଏଠୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାଲୁ କହିଲି 40 ଯାଏଁ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ନେବ, ସେ କହୁଛି ଇଜ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 15ର ହେବ, କହୁଛି 15 ଅପେକ୍ଷା। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଆରେ 15 ସବୁବେଳେ କି ହେବ, କି କେତେବେଳେ ବି ଏଠୁ ଏଇଠୁ କମେଇ ଦିଅ, ସବୁଠୁ କମ୍ଟାକୁ ଧର 26ରୁ ମୁଁ ବିୟୋଗ କରିଦେବି, 26 ଇଆଡ଼ୁ ଧରାଯିବ 25 ନେଲି, ଏପଟୁ ନେଲି 26, 26, 25 ହେଲି କେତେ, 1 ତ ହେଲା, ତ ଗ୍ରେଟର ସବୁବେଳେ 15ର ହେଲା କି, 16 ହେଲା କି, 17 ହେଲା ନାଇଁ, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ବି କେବେ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ୱାଇ, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ସିଏ ହେଉଛି କେଉଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15ରୁ ସବୁବେଳେ ହେବ। ଦେଖିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଧରିଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ 40 ହେଇପାରିବ, ମିନିମମ୍ କେତେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 25 ହେବ, 25ରୁ ତ ଆଉ କମ୍ ହେବନି କେବେ ବି, କାରଣ 25, 26, 27, 28 ଡଟ୍ 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 ଇନଫାନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ଯିବ କହିଲି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ ମୋତେ କୁହ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି 25, ତ 25 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 15, 15 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲା ତ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, 15ର ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 40 ଅଛି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ 26 ହେବ, ତାଠୁ କେତେ ତୁମର କମିଯିବ। ତ ସେ ସେଇ କଥା କହିଛି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ବାହାରିବ, ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି ହିଁ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି 15 ହିଁ ହେବ, ଦେଖ 15, ତାପରେ ଯେ 40, ଏଇଠି ଯେ 26 ଆସିଗଲା, 40, 26 ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 14 ହେଇଯିବ, କମି କମି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ନାହିଁ, ଏଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଅଭିୟସ୍ଲି କଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲୋଜି କରେକ୍ଟ ହେବ, କେବେ ଭୁଲ ହେବନି। ଦେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, 65, ଏଇଟା ତ ଅଜିବ ଲାଗୁଛି, ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ସି ୱିଲ୍ ବି ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର ହେୟାର, ରାଇଟ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର ହଉ, ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଏତେ ନାହିଁ ଭାବୁଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଦେଖିଦେବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାଣିପକାଇବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପଚରା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚରା ହେଇଛି, ଯେ ଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ତ ସେଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା, ଏ ସ୍କୋର କରିଛି 20 ନମ୍ବର ଅଧିକା କାହାର ଅପେକ୍ଷା, ମା ବି ଅପେକ୍ଷା, ତା ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20, ଏଇ କଥା। ଓକେ, ତ ଏର ମାର୍କ ବି ଏ ହେଉଛି 20,
ओके तो आई होप ये हूँ क्लियर हो तो से भाई किसी ना सेकेंड पॉइंट देख इफ 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 बी हेज स्कोर के 50% लेस देन ना 50 नहीं 5% लेस देन हो ए तो 5% क्या अपेक्षा ना ए मार्क पर रही है तो हाउ मच हेज बी स्कोर तो कैसे स्कोर कर बी ओके तो क्वेश्चन बुझीला तो ताको पॉज करो और निज तरफ टिके अटेंड करो ये जिनस बहुत इजी सेमती किसी ये नुह ठीक ना नहीं तो मो कह मैंने जी देखिए तुम्हें करपर किसी प्रोब्लम नहीं जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मुझे सपोज कह तो 20 रहा ठीक ना नहीं मुझे कहली सपोज बी रो मार्क टाक वाई धरली बी जहाँ भी मार्क से रखी मुझे जानी के वाई धरली से ए जहाँ भी मार्क रखी सीता मुझे एक्स धरली ठीक अच्छे जहाँ भी मार्क से स्कोर कर तो क्वेश्चन अनुजाई जेहेतु आम देखा ए जेहेतु ए हेज स्कोर 20% अधिका तो मैंने क्वेश्चन अनुजाई जो अकॉर्डिंग टू मुझे क्वेश्चन कहि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 तो ये पॉइंट रे बुझे ओके ए रोचे किंतु से कहे 5% देख बी जेहेतु कम ठीक ना नहीं बी जेहेतु कम रखी 5% मान कहवा कथा 5% जेहेतु लेस कम कर ए अपेक्षा ता मान हूँ एक्स माइनस वाई बाय तुम हूँ एक्स इंटु 100 इक्वल टू 5 ये कथा आसो ओके तो बुझा पड़ी ना ना मुझे जापरूनि कितु यहाँ हूँ जिनस आसो जमी आम गोटे काढ़ुचे सिंपल बाहर करे कौ जिन गुड़ा तो ये भैल्यूटा पुट करदे ये कि ना ये 20 बै एक्स इंटु 100 इक्वल टू 5 ता मान के एक्स इक्वल टू तुम ये देख 20 इंटु 100 बै 5 पाँच रेल के 24 तो 400 आसीज मार्क से रखी एक्स मानने किए ए रखी 400 किंतु हाउ मच हाउ मच बी स्कोर से पचारि बी के स्कोर करें तो बी कही पारानी तो ये 20 बेक दिव जेहेतु 20 मार्क कम रखी से ठीक ना नहीं बी तो ताहले वाई इक्वल टू के 400 - 20 तो दैट इज 380 मार्क से हूँ रखी ऑप्शन नंबर बी आसीज तो आई होप ये हूँ बुझे हो तो अच्छा ये जो जिनसा पर्टिकुलर सेकेंड पॉइंट जो लक्ष्य कर ये लिखाई इफ बी हेज स्कोर 5% लेस देन हो भाया क्वेश्चन है तो ये देखिए ये गोटे जिनस तो देख जिते बड़े से पचारि थो इफ इफ ए रो सैलरी इज 25% लेस लेस देन हो रो बी अपेक्षा ठीक ना एमती क्वेश्चन रोए सिंपल ये भाया सिविल सर्विस तुम क्वेश्चन रोचे तेल मत कह हाउ मच परसेंट इज हूँ बी सैलरी मोर देन देट ऑफ ए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जब मुझे कहि केत परसेंट बी सैलरीटा ए सैलरी पाखर अधिका ये देखना क्वेश्चन छाड़ दे सिंपल ओके तो बुझे दूचे ये सब जिन ये फालतू कहूनी ये तो बाहर देल तुम्हें एनसर हो तुम एतकी है तो यही केस्रे जिते आम करूँ केमती करूँ सपोज देख मुझ कह रो ए रहा हूँ बी अनुपात समानुपात छाड़ तो सपोज मुझे कहली बी रोच के अधिक मुझे 25% ए हूँ कम रही 25% कम तो सपोज कहली बी रोच 100 मार्क रखी लेट लेट ताल 25% कम मान ये 75 ठीक ना नहीं तो के 100 ला कि बी हूँ के 75 चेंजेस केट इज रही 25 है 25 बै थाटा धरवन हेलाटा को सब धर ये के 25 तो 25 बी के दैट इज रही 75 तो 75 इंटु 100 कर तो ये हूँ तुम रोचे के 25 × 75 तो 100 बै 3% आकार जो मागि क्वेश्चन पचार ये भाया कर तो जदि भी यहाँ इच्छा होनी किसी असुविधा नहीं सिंपल जानत गोटे मानने फर्मुला अच्छे आर बै 100 माइनस आर इंटू हूँ 100 ये हूँ परसेंटेज बाहर हुए तो मैंने कहवा कथा आर ये 25% अच्छे 25 बै 100 माइनस 25 दैट इज रोचे 75 इंटू 100 कहले के आसला राइट तो जेम भाया करपर कह पूरा बेसिक क्लीन रही दरकार क्लीयर तो यही कथा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखु ये स्क्रीन में क्वेश्चन सब अच्छे ओके यही क्वेश्चन में जब 5% लेस कथा कहे तो मैंने यही क्वेश्चन को टी जब बुले मार्क फार्क न मागिकिना जब बुले परसेंटेज के अधिका बोलना पचारि था सब जिन न थकना मुझे कह कथा तो करता किसी प्रोब्लेम ना मुझे कौन कहली ना बी रो मार्क से तुम्हें नहींजो सपोज ए रो मार्क को कौन कहली 100 रखीदेल ठीक ना नहीं बी रो मार्क से 5% कम मान के 95 कर बी ताले थिला केते कोइली थिला होचे 100 हेला केते 95 चेंजेस केते 5 चेंजेस 5 ताले सिंपल 5 बाय जे चेंजेस हेला बा थिला हेला जेटा सही ताको होचे मार्क को तोले ताको ओके इनटू 100 ताले केते होबो 19 हेले 100 बाय 19% पचारले एटा हे जो उत्तर बुझे हो तो जदि भी जहाँ हो बहुत सर्टकट बिजी लोक सी हूँ तापाई हूँ आर बाय 100 माइनस आर इंटू हूँ 100
क्लियर। तो दैट इज हूँ कैसे 5/95 सॉरी 95 आसला इंटू 100 आसला से 19 आसला राइट। ये हूँ कथा जदि पचारे परसेंटेज आकार सब देके ओके ये हूँ क्लियर रहा। सेकेंड नेक्स्ट जीवा हमें ओके सॉरी एटी देखो ये से कौन पचार पोज कर से कौन कही द रेशियो ऑफ टू डिजिट ओके द रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर नंबर टू अच्छा अच्छा तो रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर कह 10x + y यार रेशियो का सहित तार जो फॉर्मेटेड बाय रिवर्सिंग तार रिवर्स कहले के 10y + x तो रिवर्स के तार जो अनुपात 4/7 तो दैट इज रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कथ कह पज कर से कही नंबर ऑफ सर्च पेयर केते हेबो नंबर ऑफ सर्च पेयर केते हेबो ओके तो या को जदि आम सॉल्व कर देबा या को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जे बढ़िया करे हम कर दियो किछ असुविधा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले जिन से केते पारिबो 70x + 7y = 40y + केते 4x एटा आसीबो ठीक ना नहीं ए जिनसोटा आसीबो तो कोइबा माने या को जदि आम करबा एस एक्स को इपोटे नै आसो 70 रु 4 गले दैट इज होय 66x - 33y = केते 0 आसीगला तो या को भी तो दैट इज होचे केते सिंपल नै जवार साइड को आरो साइड को नेले होचे 2x = y आसी होचे ठीक 2x = y आसी होचे। तो ये होचे तुमर माइंड रे रहला गोटे जे जिनस होचे माइंड रहला मते को ए जते बेले ये होचे इक्वेशन हम पाइले सिंपल से कोचे केते पेयर हे परबो ए भले रिवर्सिंग वाला गुडा रिवर्स रे भी तोले ए पटे देखो रिवर्स रिवर्स को गुडा सपोज हम को लेटे 12 ताले इटे 21 आसुथबो सपोज मुकुल इटे 13 इटे 31 आसुथबो त रिवर्स पर 1 3 3 1 1 2 2 1 रिवर्स आसी परथो बाय ठीक ना तळे ओके। तो ए होचे कथा तो ए भळिया केतटा पेयर हे परबो आमे देखिबा तो आमरो जे डाटा कोन भरला 2x = y आउथरे लिखो होचे लिखि दउचे केते ना 2x = y ए होचे आमर पखरे डाटा रहला सपोज मु कहली y रो वैल्यू पुट करली 1 जदि y रो वैल्यू पुट करली 1 तो 2 के 2 इटे x जगह 1 पुट करबे जदि आमे ठीक ना नै तो 1 जदि आमे x रो वैल्यू जदि पुट करली 1 ताले त 2 गुणा छै के सॉरी x रो वैल्यू मु भूल कहि दउचे x रो वैल्यू जदि मु 1 पुट करबे ताले y टा 2 हे जइबो एक्स रैल्यू सरी ये भूलगला एक्स रैल्यू जब वन हुए तो वाई रैल्यू के वाई रैल्यू के टू आसीज तो वाई रैल्यू टू आसीगले तो कैलकुलेट करो के मुझे सूत्र कौन कहली ना आमर हूँ 10x + y ये जगह पुटअप करवा ठीक ना ना ये जगह पुट कले 10 × 1 + हूँ वाई रैल्यू 2 तेल 10 + 2 = 12 आसो 12 को उल्टे के 21 आसपार ठीक अच्छे तमें गोटे ही पाइले आम से ही भाया एक्स रैल्यू जब मुझे कहि 2 करी तेल वाई रैल्यू के 4 होगले के मत कह 4 होगले 10 × ये हूँ पुट पुट कर 10 × 2 = 20 20 + 4 24 आसो गोटे भैल्यू हूँ तुम के 12 रहा गोटे भैल्यू तुम 24 रहा सिंपल। नेक्स्ट भैल्यू वाई एक्स रैल्यू मुझे 3 धरली तेल वाई रैल्यू के 3 × 6 6 आसीज वाई रैल्यू जब 6 आसीगला तेल एक्स रैल्यू पुणी नहींकना पुट कर 10 × 3 के 30 आसीज 30 + y हूँ 36 6 36 आसीज 36 गोटे आसीज बुझीगला तापर 4 पुट कर एक्स रैल्यू 4 पुट कर 4 जब पुट करवा तेल वाई रैल्यू के 8 हो वाई रैल्यू 8 हो 4 हेले ये के 10 × 40 + 8 = 48 आसीज 48 आसीज 5 फुट कर एक्स रैल्यू जब मुझे 5 फुट करी तेल के मत कह एक्स रैल्यू जब 5 करी तेल वाईटा हूँ 10 आस 10 × 5 के भूल ओके तो 10 × 50 = 50 होगा 50 + 10 = 60 तो 60 केमती हो उल्टे भी अपोजिट रिवर्स तो हेनी ठीक ना नहीं तो 4 जाए पार तो 4 पेयर हे आगुड़ा है कहली ना दैट इज गोटे हूँ 12 है गोटे हूँ 24 है गोटे 36 है गोटे हूँ 48 है तो यही हूँ 4टा हूँ पेयर आसीज आई होप क्लीयर रोचे जदि भी न होती रिवर्स करना भिडियो को देख रईट तो आई होप ये हूँ क्लीयर रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जावा तो ताको पज करो एवं निज तरफ टिके अटेंड करो ये कौन दिखाई इन ए कन्फरेन्स गोटे कन्फरेन्स हो तो सही आउट ऑफ टोटल होते पार्टिसिपेंट ना 100 जन टोटल पार्टिसिपेंट अच्छा ओके तो से मध्य 70 जन कौन इंडियान 70 जन इंडियान जदि से कहे टोटाल होते मानने
कहवा कथा तेल मुझे आ गए कथ पचार इफ षाठी अफ द टोटाल पार्टिसिपेंट आर हो वेजिटेरियन तो षाठी जन कौन से भितर वेजिटेरियन ओके आउ से कौन पचार डाटा हुई जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही अच्छा कौ एम ये स्टेटमेंट भितर दुईटा स्टेटमेंट भितर कौटा करेक्ट से कहे एटलिस्ट 30 हूँ इंडियन पार्टिसिपेंट आर हो इंडियन पार्टिसिपेंट अच्छा इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन किंबा से कहे एटलिस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट आर हो नॉन वेजिटेरियन तो डाटा अनुजाई जब मुझे देखी कौन कही तो आमर हूँ 100 जन टोटल पार्टिसिपेंट 100 जन मध्य से पचार 100 जन मध्य 70 जन कौन दैट इज रोचे इंडियान 70 जन इंडियान तो बाकी आउ नॉन इंडियान जब कह कते जन रही है 30 जन नॉन इंडियान राइट एन आई लिखी दूसरी एन आई नॉन इंडियान जब कह के 30 कहीपरि से ही भाया यही 100 जन भितर तुम 60 जन कौन दैट इज रोचे वेजिटेरियन दैट इज रोचे वेजिटेरियन तेल देखा तापर आम मार्क करवा ओके तो ये जिनसटा आसीज ठीक अच्छे तो याक नक गोटे भेन डायग्राम ना कहीदे से गुड़ा क्लीन हो सुविधा हम टे ओके तो देख ये हूँ भेन डायग्राम कौन कही ना सिंपल जहाँ दी डाटा से ही हो आम भेन डायग्राम कौन करे ये भाया रोहे गोटे ठीक ना सिंपल तो सी कहे तुम इंडियान के टोटाल हो टोटाल ये बक्स रहा टोटाल हो सपोज 100 रे चली पार्टिसिपेंट से 100 पार्टिसिपेंट रु सपोज मुझे ये इंडियान हाँ ये इंडियान धर तो ये इंडियान जे गुड़ा के ना दैट इज बाहर लिखी दूसरी 70 ओके तो किसी ना 70 जन इंडियान से पचार गोटे को वेजिटेरियन धरे वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन के कहले ना दैट इज रोचे 60 ठीक ना एबे सिंपल जो सूत्र पकाऊ आ कि मानने ये लगे जमी आम कौन ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए भाया पक ठीक ना तो जिते बड़े ये इंटरसेक्शन कहले मजे जगह आसे ठीक ना तो ये से क्वेश्चन जेहेतु कही देख प्रथम क्वेश्चन एटलिस्ट 30 हूँ इंडियान पार्टिसिपेंट ओके इंडियान पार्टिसिपेंट जो मैंने कि वेजिटेरियन इंडियान के 70 आ पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन ता माने एई कैटेगरी रे केते पड़े से कहे एटलिस्ट 30 होता दरकार से कहे तो एटलिस्ट कहले कौटा ये जगहटा आमर हे इंटरसेक्शन जगहटा तो यार भैल्यूटा आमर हो पार्टिकुलरली बाहर करने पड़ो कारण एटलिस्ट 30 रु भी अधिका है तो किसी मना ना कि 30 होता दरकार से कहे तो मुझे ये सूत्र फर्मूला पकईबी या सपोज मुझे बाँ साइड को रखीदेली बाँ साइड को रखीदेली ए इंटरसेक्शन बी रखिकी आउ जहाँ गुड़ा रहा आउ गोटा जो गुटा रहा डायरेक्ट लिखुचे दैट इज हूँ 70 प्लस 60 माइनस ए यूनियन बी ए यूनियन बी आउ भैल्यू लिखुनी दैट इज रोचे 100 ओके तो 130 माइनस 100 तेल के दैट इज रोचे 30 आसीज 30 आसला ना एक्जाक्ट तो ए पॉइंट मुझे कहबी ठीक अच्छे किसी भूल ना तो बुझा पड़े तो जदि मैक्सिमम मुझे कही था मैक्सिमम के गोटे मुझे पॉइंट दे था मो इच्छा रे जो ये गोटे पॉइंट दे था मैक्सिमम सपोज 70 जाए जी हूँ इंडियान पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन तेल ये पॉइंट तुम्हें ठीक कहो ना भूल कह तो पार्टिकुलरली से हीपाई कहे भेन डायग्राम देखेदेली देख भेन डायग्राम कौन कहे ये इंडियान ये हूँ वेजिटेरियन ये कौन कहली 70 तो ये कौन कहली 60 ठीक ना यार तो एटलिस्ट बाहर देल जो के दैट इज रोच 10 ये पार्टिकुलरली ये जगहटा एटलिस्ट जदि मुझे बढ़ीकिना केके जापर ता मैंने यू चित्रटा ये बुझ ओके तो ये कथा से कहे तो ये परिचनटा तो मैंने मैक्सीम के जापर जी मुझे कहि तो मैक्सिमम जदि देखो तेल के ये 60 अच्छे मैंने अरे इजिली ये 60 जाए जापर तो मिनिमम के 30 जाए जा मिनिमम ये 30 देखिए क्वेश्चन तो 30 जाए जापर आ मैक्सिमम कहली 60 जन जाक जापर ता मैंने ये चित्रटा हम मुझे कह कथा ये वेजिटेरियन ये इंडियान ता भितर चलीगला ठीक ना नहीं तो मैक्सिमम हूँ ये 60 जी ये हूँ इंडियान जेहतु 70 अच्छे ये 60 अच्छे तेल 60 मैक्सिमम जी जापर 30 रु 60 तो बुझा पड़ी तो चेंजेस कले क्वेश्चन ये जिनस आसो किंतु मुझे सेकेंड पॉइंट जी ये कौन कहे एटलिस्ट 10 इंडियान पार्टिसिपेंट आर नॉन वेजिटेरियन बहुत बड़ कथा कहला नॉन वेजिटेरियन कहले कौन ये फाका गोटे जे गोटे रही थे नॉन वेजिटेरियन तो जदि भी से मुझे मैक्सिमम 60 जाए जीवे तो मिनिमम आते रही है 70 रु तेल 60 वियोग कर दियो तेल से कैसे आसीज 10 जन रे सिंपल आउ 10 जन हूँ ये रहीपारे तो एटलिस्ट 10 रे 10 पर भी जब ये कमीगला ये 30 रहीगला 30 रहीगला आउ 30 आसीज तो मैक्सिमम ये भी मुझे जब कहि 10 रु 40 जाए जापर मैक्सिमम किसी प्रोब्लेम नहीं कनसेप्ट गोटे ओके तो हूँ माइंड क्लीयरीटी रही थोड़ा दरकार तो आई होप ये हूँ क्लीयर बुझे हो जिन अनलाइन तो यार रिलेटेड भी आगे किसी भिडियो भी अच्छे प्लेलीस्ट तो जाए देखिपर से सब ओके तो ठीक अच्छे ये था इतनी नॉन लेंथ हो भिड
जदि भल लगुच भिड हो शिशार सेक्शन तेल कमेंट सेक्शन में जुड़ू और निज सांग सहित सेयार करूँ। ओके आ चैनल को जब प्रथम थर पर भिजिट करते सब्सक्राइब करने भूल। ओके तो थैंक्स फॉर वाचिंग।